आजकल लोग जो परमेश्वर का अभिषेक है वो बिक रहा है। मैंने संडे भी बताया, बोलो क्या आज अभिषेक जो खुदा का अभिषेक है वो भी बिक रहा है। पानी की बोतल कितने की है, तेल की बोतल कितने की है, वो भी बिक रहा है। सेकंड करिन्थियों, अभी इस वचन को ध्यान से अपने दिमाग में रखना, 2:14, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं है जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। क्योंकि आज बहुत मिलावट हो रही, बोलो क्या है? आज बहुत मिलावट हो रही, आज अलग अलग प्रकार की डोमिनेशन है, वो अपनी अपनी तरह से इस वचन को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, कोई किस तरीके से, कोई किस तरीके से, बोलो क्या है, कोई किस तरीके से इसकी पेशकश कर रहे हैं, कोई कुछ किस तरीके से, कोई किस तरीके से इसे बता रहा है, कोई कैसे समझा रहा है, कोई कहता है ऐसे ऐसे मिलेगा यीशु मसीह, कोई अभिषेक को मांग रहा है क्योंकि हमारा अभिषेक हो गया, कोई लोग अभिषेक को मांग रहे हैं। अभिषेक का मतलब होता है नियुक्तिकरण। जब एक बार कोई बंदा नियुक्त हो जाता है तो उसे बार बार मांगने की जरूरत नहीं होती, पर कुछ लोग मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? जब हम एक बार यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कबूल कर लेते हैं तो बाइबल में लिखा है कि उस दिन तुम पर, अफिसियों की 13 में लिखा है कि पवित्र आत्मा की शाम मोर लग चुकी है, जिस दिन तुमने अपने मुंह से यीशु को अब ये प्रभु करके अंगीकार किया और हृदय से विश्वास किया कि कौन मेरे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे मुर्दों में से जी उठा। जिस दिन तुमने विश्वास किया उसी दिन लिखा पवित्र आत्मा की शाप मतलब मोर तुम पर लग चुकी है। पर कुछ लोग पवित्र आत्मा को मांग रहे हैं, हमें दे, क्या कर रहे हैं? कुछ लोग मांग रहे हैं हमें दे, क्योंकि वो तो मिल चुका है। कहता हम बहुतों के समान नहीं है जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, क्योंकि आज बहुत आजकल बहुत मिलावट हो रही है। क्या हो रही है? आजकल बहुत मिलावट हो रही है। आज कई लोग जो परमेश्वर का अभिषेक है वो बिक रहा है। मैंने संडे भी बताया, बोलो क्या है? आज अभिषेक जो खुदा का अभिषेक है वो भी बिक रहा है। पानी की बोतल कितने की है, तेल की बोतल कितने की है, वो भी बिक रहा है। क्योंकि एक्चुअल में लोगों को अभिषेक शब्द का अच्छे से समझ नहीं, उसका मतलब क्या है। इसलिए जो लोग सुनते हैं वो उसी तरह से वो बोलते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पिछले संडे भी बताया था कि मैं अगुआ, तो मैं जो बोलूंगा आप सोचोगे कि मैं अगुआ हूं तो परमेश्वर ने मुझे बताया है तो आप वो करोगे। अगर मैं कहूंगा इन फूलों को आज क्या कर लो, इनकी थोड़ी थोड़ी ये जो पत्तियां हैं इसको थोड़ा थोड़ा चबा लो, खा लो, क्या कर लो, आज ऐसा करो, आज यहाँ पे ऐसे पानी रखकर मैं बाल्टी रख दूंगा, ये ऐसे सारे एक एक गिलास भर के पी लो, तीन तीन भी मैं बोलूंगा पी लो, आज तुम्हारे रोग क्या हो जाएंगे, आज दुष्ट आत्माएं छोड़ देंगी, तुम्हारे हर घर के हालात क्या हो जाएंगे, तो तुम तीन तीन गिलास भी पी लोगे, मैं जो बोलूंगा तुम करोगे। आज ऐसा ही हो रहा है, लोग समझ रहे हैं ये अगुआ है, ये खुदा का दास है, तो लोग उसको देखकर क्या कर रहे हैं। पर अगर आप आत्मा में हो, इसलिए कहा जो आत्मिक के जाने वो सब बातें जांचता है, जो आत्मिक के जाने वो जांचेगा, शारीरिक को नहीं पता, उसे तो पता मेरा काम होना चाहिए कैसे भी हो जाए, मेरा काम मोमबत्ती से हो जाए, पानी से हो जाए, किसी से भी हो जाए बस। और ऐसे लोग हमेशा बाद में सफर करेंगे, सफर क्या करेंगे, सफर करेंगे, सफर। पर जो सत्य को समझेगा, बोलो क्या समझेगा, जो सत्य को समझ जाएगा, कहता हम बहुतों के समान नहीं है जो खुदावंत के वचन में मिलावट करते। आज बहुत मिलावट हो रही है, बोलो क्या हो रही है, क्या हो रही है, कोई परमेश्वर के अभिषेक को दुगना बनाकर लोगों को बता रहे हैं,
हाँ कि मेरे पास जो अभिषेक है वो आपसे भी बड़ा है, तो लोग उस अभिषेक को समझ के उसे नाम दे दिया कोई ऐसा अभिषेक शब्द, उसके पीछे उसके आगे महा लगा दिया। क्या लगा दिया? महा, महा शब्द लगा दिया। तो उन्होंने कहा ये उससे भी बड़ा है, यहां पे जाएंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। बोले गए क्योंकि ये अंत के दिनों में ये सब भटका देने वाली आत्माएं होंगी, इसीलिए उसने तिमोथियस को कहा कि अंत के दिनों में लोग अपनी अभिलाषों की अपने कामों के लिए बहुत उपदेशक बटोर लेंगे, वो सत्य को नहीं समझेंगे। पर कहता तू समय समय तैयार रह और सत्य वचन का प्रचार कर, क्योंकि अंत के दिनों में होगा लोग अपनी अपनी अभिलाषों के लिए अब पांच सौ उपदेशक बटोरेंगे। समझ आई मेरी बात? तो अपने ध्यान से समझना है क्या करना है। जो चीज मैंने आपको समझाई आज उस पर चलो। आमीन।